जनता चोर, ये सरकार है, अंदर तो इनको जाना चाहिए। मोदी सरकार के राज में अगर हम कहीं सफाई की कर्मचारी की जॉब मांगने जाते, पियोन की जॉब मांगने जाते, चपरासी की, तो हमसे ठेकेदार पहले कहता 40,000 जमा करो, फिर कहता 50,000 जमा करो, उसके बाद तुम्हें एक साल की नौकरी मिलेगी। जनता के वोट से गद्दी पे बैठे हैं, मोदी के बाप की नहीं आई है गद्दी, ये इस जनता ने उसको गद्दी पे बैठाया था। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी मोदी है, हम कह रहे हैं ये बात, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, कितने घोटाले किए इस सरकार ने, सबसे बड़े घोटाले बात ये सरकार है। उद्योगपतियों को इसने खरीद लिया, ईडी वालों को डरा करके अपने अंडर में रखता है, हाई कोर्ट को, जज को जो ने डरा करके अपने अंडर में रखता है। विपक्ष की एक महारैली आज दिल्ली के रामलीला मैदान में बुलाई गई और साफ तौर पर नजारा हम पहले दिखाना चाहेंगे। देखिए चारों तरफ आपको झंडे ही झंडे दिखाई देंगे, विपक्षी पार्टियों के झंडे, कांग्रेस झंडे, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, और आप देख सकते हैं भीड़ कितनी ज्यादा है। और यहाँ पर एक दादी हमें मिली है, दादी क्या कह रही थी, केजरीवाल जेल चले गए? जेल तो ले जाया गया है, रात को चोरों के तरीके, चोरों भांति ले गया है केजरीवाल को मारे। जैसे चोर घुसते हैं और उठा के ले जाते हैं, वैसे उठा के ले गया है मेरे केजरीवाल को अंदर से, घर से इनके। तो परेशान है बहुत, परेशान नहीं है मेरे दिल के अंदर केजरीवाल, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मेरे केजरीवाल जितना कोई किया भी नहीं कि किसी, कोई ना तो नेता ना कोई सरकार, किसी ने किया था इतना जो केजरीवाल ने किया था कभी, ये मुझे आप जवाब दो। केजरीवाल मतलब बेटे जैसे आप? हाँ तो है ही है, मेरे बेटे जैसे ना, मेरे भगवान जैसे हैं, मेरे गुरु जैसे हैं, मेरे ये ठीक है। जब से ये सरकार आई है, छोड़े मोदी तब क्यों, कितना दिन तक जेल में रखेगा, कितना दिन तक रखेगा, रखे हम लोगों को घुसा दे, हम लोग भी जाने के लिए तैयार हैं। जेल जाओगे आप? हाँ जाएंगे जेल। केजरीवाल नहीं छूटेंगे तो आप जेल जाओगे? हाँ तो भेज देना, हम तो कहते हैं केजरीवाल के साथ, भैया देखो सुनो, केजरीवाल के साथ पब्लिक तो नहीं जा पा रही है जेल में, लेकिन जितना दुआ उन्होंने किया है लोगों के साथ में, तीर्थ यात्रा, बाकी और लोगों के साथ भलाई जितना करते जा रहे हैं और किए हैं, इनके साथ में, इनके आगे पीछे दुआ मिला रही है, केजरीवाल के साथ दुआ है, दुआ इनको छुड़ाएगी, पब्लिक तो छुड़ाएगी तो पब्लिक कहने पर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इनकी दुआ अगर किसी के साथ गलत नहीं किए हैं तो ठीक है। इधर देखिए कि सीपीआई के लोग भी आ रहे हैं, ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? अभी हम मैदान में जा रहे हैं, रामलीला मैदान में। अच्छा कहाँ से आ रहे हैं? चरखी दादरी से आए हैं। चरखी दादरी से आए हैं। केजरीवाल छूटेंगे? छूटेंगे, हाँ छूटेंगे, हम छुटवाएंगे और छोड़ना पड़ेगा। अच्छा हाँ, नहीं छोड़े तब छोड़ेंगे, केजरीवाल के अंदर एक ताकत है, वो एक हरियाणा का बेटा और राजा है, छोड़ेंगे। अगर केजरीवाल नहीं छोड़ना छोड़ेंगे तो हम मोदी की कुर्सी छुटवा देंगे, क्योंकि जनता के वोट से गद्दी पे बैठे हैं, मोदी के बाप की नहीं आई है गद्दी, ये इस जनता ने उसको गद्दी पे बैठाया था और इस जनता की भलाई के लिए बैठाया था। आज इतने ईमानदार, देश का भला करने वाले मुख्यमंत्री को जो बगैर किसी कार्रवाई के जेल के अंदर डालने का जो काम किया है, इसका ये बहुत बड़ा घिनौना अपराध है और ये जनता जवाब मांगने आई आज यहाँ पे। तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी मोदी है, हम कह रहे हैं ये बात, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, कितने घोटाले किए इस सरकार ने, सबसे बड़े घोटाले बाद ये सरकार है, जनता चोर, ये सरकार है, अंदर तो इनको जाना चाहिए। एक ईमानदार मुख्यमंत्री को ये अंदर कर रहे हैं, अजीब बात है, जब मोदी बीजेपी के अंदर एक भ्रष्टाचारी चला जाता है तो वो कोई नूर बन जाता है और बाकी भ्रष्टाचारी है, तो ये जनता समझ चुकी है, अब इनकी ड्रामेबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी और इसको गद्दी से उखाड़ के फेंकने का काम करने आज ये जनता दिल्ली के अंदर आई हुई है। हमारी जनता जाग रही है, ये 400 पार का नारा दे रहे, गारंटी गारंटी कर रहे, राशन दे रहे, नहीं चलेगा।
ये 400 ये जो 400 पार का नारा है ये जुमला है जो आज तक इन्हें जुमले बोले वो झूठ के जुमले हैं, पुलिंदे हैं, कुछ नहीं है। अब इसकी जमीन खिसक चुकी है। ये 40 पार होंगे, 400 पार क्यों करोगे? ये इतने भ्रष्टाचारी और इतने गद्दार जो देश ने खा गए लूट की, वो 400 पार क्यों करो? 40 पार तो हो सके, 400 पार नहीं, 100 पार भी नहीं हो सकते, 40 पार। ये देश के जवानों का धंधा, देश के जवानों की मृत्यु के ऊपर काम किया। आइए आइए भाई, आइए आ दादा बोलिए। ऐसे है जी, इसने खूब झूठ बोल ली और जिसको टाइम आओ ना, टाइम आ जा घर में काली नाक बढ़ जाए, टाइम आओ तो सिर लगाऊंगी फिर उसका लाठा की मार के उसने पाद नहीं कर दी तो इसको आ गया टाइम उस काली नाक की तरह से। टाइम आ गया मोदी इसका, मोदी का टाइम आ गया। प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे आपकी? प्रधानमंत्री नहीं, कुछ भी नहीं बनेंगे। इतना निकम्मा प्रधानमंत्री अब तक नहीं आया। जो क्या कह रहे हैं, भूत बनेगा, भूत का भूत बनेगा, यो भूत बनेगा मोदी का। कैसे मर जा भूत तेरा, आप बढ़ जाएगा, आप फिर बैठ जाओ। कति भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार कति लूटा, बेईमान थाली इन्हें बजवा दी, सब बर्बाद कर दी इन्हें, थाली बजवा दी। हाँ तारा भी बेईमान, बच्चों को रोजगार ना, ना तो स्कूल ना मेडिकल, सारा देश बर्बाद कर दिया। कोई शिक्षा नहीं, कोई मेडिकल नहीं, ना कोई गरीब को सहूलियत है, कुछ नहीं। केजरीवाल जी ने क्या नहीं किया? अच्छे स्कूल दी, अच्छी शिक्षा दी, बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, और आज एक ईमानदार नेता को, देश के बेटे को अंदर डाल दिया। ये भ्रष्टाचार फैला रहे इस दुनिया में। इन्होंने मोदी ने थाली बजा बजा के लोगों को गुमराह किया। अब जनता जाग चुकी है और नौजवान बच्चे इनकी सभी इनकी पुस्तक खोल रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए दादा, दादा कहाँ कहाँ जा रहे हो? केजरीवाल को छुड़ाने जा रहे हो कहाँ? अरे गए तो था, छोड़ देगा तो बेटी तो छोड़ देगा तो, ये तो कसाई से, ये तो भाई कौन कसाई है? ये मोदी, मोदी कसाई है। और जब इस टाइम भ्रष्टाचार खत्म कर रहे, इस टाइम पर बैठी जो भीतर बंद कर रहे, भ्रष्टाचारी है, खुद भ्रष्टाचारी है। उद्योगपतियों को इसने खरीद लिया। अच्छा, ईडी वालों को ड्रा करके अपने अंडर में रखता है। हाई कोर्ट को, जज को जो ने ड्रा करके अपने अंडर में रखता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को ड्रा करके अपने अंडर में रखता है। सीआईडी, सीबीआई, कोई महकमा इसने छोड़ा नहीं कि इसकी डर की वजह से सीधा जो कहता है वो इसी लाइन पे चलते हैं। मतलब मोदी ने सब कुछ कैप्चर कर रखा है, सब कुछ कैप्चर कर लिया। ऐसा गंदार जब जो ने उतरेगा ना, तब इसके भ्रष्टाचार निकाल के देखना आप। इतनी बड़ी फाइल है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी मोदी। आज अरविंद केजरीवाल ने लेके बच्चे से और बूढ़े तक के ने सारी सुविधा, मोहल्ला क्लिनिक लो, स्कूलों में सफाई क्लिनिक लो, रोजगार लो, सब कुछ दिल्ली सरकार में जहाँ तक अरविंद केजरीवाल का जोर चलता है, जहाँ तक पावर है, वहाँ तक उन्होंने सब कुछ करा। और दिल से हम कोई दिहाड़ी लेकर के नहीं आए, और ना ही हम कोई, हम भूखे प्यासे यहाँ खड़े सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए। क्या उनको अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद कांग्रेस, कांग्रेस के राज में कभी हमसे रिश्वत नहीं ली गई रोजगार के लिए। और राज मोदी सरकार के राज में अगर हम कहीं सफाई की कर्मचारी की जॉब मांगने जाते, पियोन की जॉब मांगने जाते, चपरासी की, तो हमसे ठेकेदार पहले कहता 40,000 जमा करो, फिर कहता 50,000 जमा करो, उसके बाद तुम्हें एक साल की नौकरी मिलेगी। तो किसी गरीब आदमी पे अगर 40,000 नहीं है घर में, 30,000 नहीं है, तो वो बेरोजगार बैठ के चोरी करेगा, चकाटी करेगा, मर्डर करेगा, क्राइम करेगा, किसी के बच्चे भूखे बैठेंगे। कांग्रेस के राज में गैस सिलेंडर का रेट क्या था? उद्योगपति से बात करके कुछ करोड़ जो ने गैस सिलेंडर बांटे गए अपनी वाहवाही करने के लिए, उसके साथ साथ इसने जो ने बोला हर महीने इतना रेट बढ़ाते रहो, तुम्हारे को 50 गुना बेनिफिट दे दूंगा मैं। 15 लाख आने वाले थे, 15 रुपए नहीं आए। डीजल पेट्रोल का क्या भाव था? जब 60 रुपए जो ने कांग्रेस के राज में डीजल पेट्रोल का भाव था, उस टाइम पर ये रोता था, जगह जगह जो ने विवाद खड़े करता था। आज पेट्रोल का भाव क्या है? जब डीजल पेट्रोल का भाव हाई होगा, तो एक बच्चे को मुंह में डालने के लिए टोपी भी महंगी हो जाएगी। चाचा, डीजल पेट्रोल हाई और लो होने से एक गरीब आदमी का क्या मतलब है? पेट्रोल पीते हैं, रोटी खाते हैं, दुकान से चीज ना, राशन सस्ता, ना आटा सस्ता, ना घी सस्ता, ना तेल सस्ता, हम पेट्रोल पीते हैं।
डीजल जब महंगा होगा तो ये सामान भी महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन महंगा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मोदी जी ने देश के लिए क्या विकास करा है आज तक? गैस फ्री सिलेंडर दिए, एक बार लेने वाले खुश हो गए, आज सब रो रहे हैं। अच्छा ये कह रहे हैं राशन दे रहे हैं फ्री में, कम से कम भी जो ने 20 गुना वापिस चार्ज कर लिया है। अच्छा कमा लिया उतना है, वो चावल दे रहे हैं जो कूड़े, बहुत ही गंदी सरकार है। अच्छा राशन, राशन जो मिल रहा है सही मिल रहा, जो राशन मिल रहा है वो कूड़े में फेंक दिया जाता है, वो हमें दिया जा रहा है। इतनी सी तेल की बोतल नहीं मिलता भाई, इतनी सी तेल की बोतल, इतनी सी दाल, इतने से चावल, आदमी रोटी भी तो खाता, आटा तो नहीं मिल रहा। देश के लिए मोदी जी ने क्या विकास करा? हजारों करोड़ रुपए लगा के चंद्रयान पे झांक चढ़ा दिया। देशवासियों के लिए क्या करा? देश के लिए तो बहुत कुछ कर दिया, देशवासी भी तो यहाँ भटक रहे हैं। ठेकेदारी में पैसा मांगा जाता, रोजगार के लिए हम कहाँ जाएं? चंद्रयान पर सैटेलाइट गया, हर रेलवे स्टेशन पर सैटेलाइट के साथ मोदी ने कितने करोड़ रुपए देश के बर्बाद करके अपनी पत्थर की मूर्तियां मंडवा रखी है। पैसा बर्बाद, क्या वो पैसा कहां से आया? कोई स्टेशन बता दो जहां मोदी की जो है पत्थर की मूर्ति नहीं हो, एक मूर्ति बनाने के लिए कितना खर्चा आता है आज ये देश के लोग बताएंगे। सब कांग्रेस का बजट पास हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये रामलीला मैदान है और बाहर का यह दृश्य है, आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ज्यादा यहाँ पर है। और अभी तक यहाँ पर केजरीवाल जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं, केजरीवाल को छुड़ाने की बात हो रही है, लेकिन फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा वक्त बताएगा। लेकिन रामलीला मैदान में आज कई पार्टियां जो एकजुट हुई हैं उनका शोर अब तेज होता जा रहा है।